सुनो ए कायनात, इंसान तो मरे पड़े, रूहें बेहोश, रूह नहीं मरती, रूह शिफ्ट होती है, बदन मरता है, लेकिन जब क्यामत का धमाका होगा, रूहें बेहोश, जिस्म पारा पारा। सुनो, मैं हूं जिसने दुनिया को बनाया और मैंने ही मिटाया और मैं ही जिंदा करूंगा। अल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्द नबाता, तुम्हें अल्लाह ने जमीन से निकाला, थुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर तुम्हें इसमें लौटाएगा, थुम्मा युखरिजुकुम इखराजा, फिर तुम्हें इसे जमीन से बाहर निकालेगा। पता नहीं कितना जमाना गुजरेगा, अल्लाह के नबी ने भी नहीं बताया, अल्लाह ने भी नहीं बताया कि ये वक्फा कितना होगा, चंद घंटे, चंद महीने, चंद साल या चंद हजार साल, वो जाने, उसका रसूल जाने। लेकिन जब अल्लाह जिंदा करने का इरादा करेगा तो पहले अल्लाह मलाइका को जिंदा करेगा, फरिश्तों को, इसराफील, फिर सूर पकड़ाएगा, सूर का यहां सुराख है, इसमें अल्लाह ताला सारी रूहों को डाल देगा, सारी ईमान वालों की रूह नूरानी होगी और काफिर मुशरिक की रूह काली होगी। फिर उससे पहले अल्लाह जमीन को, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, नई जमीन बिछेगी, नए आसमान बिछेंगे। अल्लाह जमीन पर 40 दिन बारिश बरसाएगा, 40 दिन फवार, हल्की हल्की बारिश, ये बारिश सब्जा उगाती है, वो बारिश क्या करेगी, हमारी हड्डियां उगाएगी, हड्डियां। और दुनिया में कितने खरब खरब इंसानों की हड्डियां हैं, वो क्या कादिर शहंशाह है, मजाले मेरा ये नौखन कहीं और चला जाए, यही मुझे लगाएगा, यही हड्डी मेरी वापस करेगा, मेरा ही दिल वापस आएगा, मेरी आंखें वापस आएंगी, ढांचे बनेंगे, ढांचे बनते जाएंगे, 40 दिन में सब ढांचे मुकम्मल, शेर चीते गीदड़ भेड़िए इंसान सब जिन्नात सब, फिर वो यूं सुर उठाएगा, अल्लाह उसमें रूहें डालेगा, फूंक मारेगा, तो ऐसे परवानों की तरह रूहें निकलेंगी और हर इंसान के नाक में दाखिल होंगी, और यूं चलते चलते जो ही पाँव के अंगूठे को रूह टच करेगी, एकदम कब्रें यूं खुलेंगी और ये निकलेंगे। वक्त रबल वादुल हक, वो वादा हक करीब आ गया, और एकदम कब्रें फटेंगी और निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, एकदम कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, अरे मर गए, ये किसने उठा दिया, ये कौन कहेंगे, नाफरमान काफिर नाफरमान। इसके जवाब में ईमान वाले मर्द औरत कहेंगे हादा मा वादर रहमान व सदकल मुरसलून, ये वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी।